अब कर्वेचर टेंसर हम लोगों ने डिफाइन किया है, उससे रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनको हमको प्रूफ करना है। पहला हमको ये प्रूफ करना है कि एक को वेरिएंट जो कर्वेचर टेंसर है जिसमें चारों इंडेक्स को वेरिएंट में हो, तो इसका नोटेशन हम लोगों ने लिखा आर एच आई जे के। तो यहाँ एच फर्स्ट प्लेस पे है, आई सेकंड पे है और जे और के इंटरचेंज हो गया है। यानी हमको यह दिखाना है कि जो को वेरिएंट कर्वेचर टेंसर है वो अपने लास्ट इंडिसेस में इसक्यू सिमेट्री होगा। तो इस चीज़ को आपको प्रूफ करना है। तो वह प्रूफ करने के लिए आप क्या करो कि डिफाइन करो ये आर एच आई जे के, ये कैसे डिफाइंड है, ये पीछे हम लोग इसकी वैल्यू को लिख चुके हैं कि ये हमारा जी जो पहला इंडेक्स है वो एच लिखो और एक कोई अतिरिक्त इंडेक्स अपनी तरफ से, और जो अतिरिक्त लिखे हैं वही हम ये डमी कर देते हैं और जो तीन इंडेक्स बचा हुआ है आई जे के उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो इस आर एच आई जे के इस इंडेक्स को हमने इसमें क्यों बदला, इसको बदलने के पीछे पर्पज क्या है, इसलिए बदला गया है कि इसको हम लोग पीछे प्रूव कर चुके हैं कि यह जे और के में इसकी सिमेट्री होता है। तो इसका नेचर मालूम है इसलिए इसका यूज हम करेंगे, तब इस वैल्यू को हम लिखेंगे यह जी एच ए और इसकी वैल्यू जब इंटरचेंज करोगे तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस आर ए आई के जे इस फॉर्म में। तो इसको सेकंड काइंड में हम लोगों ने इसलिए चेंज किया क्योंकि उसमें ये लास्ट टू इंडेसेस में इसकी सिमेट्री होता है प्रूफ किया जा चुका है, तो इसलिए इस फॉर्म में बदल दिया। अब इसको क्या कर लो कि चेंज करो फिर फर्स्ट काइंड में, तो फर्स्ट काइंड में तो माइनस आपका रहेगा और यह ए डमी है, ये समाप्त हो जाएगा और ये फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। तो यह आर एच आई के जे, तो यह आर एच आई जे के ये लिया गया था और जे और के में इंटरचेंज हो गया तो निगेटिव आ गया। इसका मतलब ये कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर जो है वो भी हमारे लास्ट टू इंडिसेस में इसक्यू सिमेट्री होता है। तो ये प्रूफ हम लोगों ने यहाँ कर लिया। अब इसके बाद इसकी दूसरी आइडेंटिटी क्या है उसको आप देखें। दूसरी आइडेंटिटी अब यहाँ आर एच आई जे के इज इक्वल टू माइनस आर आई एच जे के, ये एच आई है और यह आई एच, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया कि ये लास्ट टू इंडिसेस में इसकी सिमेट्री होता है। अब इसको हमको फर्स्ट टू इंडिसेस में दिखाना है, तब देखो चूंकि इसके फर्स्ट टू इंडिसेस में दिखाना है इसलिए इसको फर्स्ट काइंड में चेंज करने से हमको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है क्योंकि उसमें एक इंडेक्स ऊपर चला जाएगा और उसमें जो हमको इसकी सिमेट्रिक है वो लास्ट टू इंडिसेस में हमको पता है, इसके फर्स्ट टू में करना है। तब ये हमारा प्रूफ कैसे होगा कि आर एच आई जे के इसकी वैल्यू हम लोग डिटरमिन कर चुके हैं, उसमें एच और आई में इंटरचेंज करें और तब देखें कि उसकी वैल्यू हमारा निगेटिव के साथ आता है क्या। तो इसके प्रूफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसका प्रूफ करें, तो प्रूफ करेंगे तो इसकी वैल्यू लिखो आर एच आई जे के। अब इसकी वैल्यू लिखने का एक बड़ा सा फार्मूला है लेकिन वो पीछे भी हम लोगों ने ठीक उसका किया है और यहाँ भी समझोगे। तो क्या करते हैं, हाफ लिखो, हाफ और जेल टू जी फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स, तो यह एच के और जो बीच का बच गया उसी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर का है। तो ए वर्क जहाँ इसका प्रूफ हुआ है वहाँ हम लास्ट में बताएं इसको, लेकिन एक बार और इसका यूज देखें, इसकी वैल्यू क्या आएगा वो लिखने का तरीका जो है आपको हाफ लिख लो और तब इसमें सेकेंड डेरिवेटिव में आएगा टर्म, तो सेकेंड डेरिवेटिव में फर्स्ट और लास्ट पहले जी के साथ और जो बच गया सेकेंड डेरिवेटिव तो उसी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव,
अब अगला क्या कर लो कि इसी में जहां एच के है उसको आई जे और आई जे को एच के में इंटरचेंज कर दो, यानी अब यह सेकेंड डेरिवेटिव डेल टू जी, अब यह आई जे यहाँ आ जाएगा और यह डेल एक्स एच और डेल एक्स के यहाँ आ जाएगा। अब इसको जी और के में इंटरचेंज करके माइनस के साथ आगे लिखो, तो यह माइनस डेल टू जी, इसमें जे और के में इंटरचेंज करना है तो डेल टू जी या एच जे अपान डेल एक्स आई और डेल एक्स के ऐसा हो गया, और माइनस फिर डेल टू जी। तो अब इसका इंटरचेंज करके लिखोगे तो आगे आएगा, तो यह आई जे की जगह के आई के और अपान डेल एक्स, एच तो रहेगा लेकिन यह के की जगह जी आ जाएगा, जी आ जाएगा, यानी एक इंडेक्स से ये चारों लिखे जा सकेंगे। कैसे लिखा गया इसको ध्यान दो, हाफ लिखा गया और सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव में जी के साथ फर्स्ट और लास्ट यह आएगा और जो बच गया उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। अब अगला इसी को इंटरचेंज कर दो, जहां एच के है वहां आई जे और जहां आई जे है वहां एच के। पहले वाले में जे और के को इंटरचेंज करोगे तो एक माइनस के साथ, और दूसरे वाले को इंटरचेंज करोगे तो एक माइनस के साथ, तो यह डेल टू जी एच के की जगह जे और डेल एक्स आई डेल एक्स जे की जगह के। अब इसको इंटरचेंज करोगे तो माइनस डेल टू जी आई जे की जगह के और यह डेल एक्स एच और के की जगह जे ऐसा है। अब इसके बाद और भी दो टर्म आते हैं, तो वो टर्म कैसे आएगा, तब यहाँ लिखो जी और दो क्रिस्टफल सिंबल इसका प्रोडक्ट, दो क्रिस्टफल सिंबल प्रोडक्ट जो यहाँ लिखे हो वो, यानी यहाँ लिख दो और जो यहाँ लिखे हो प्लस वाला वो यहाँ लिख दो, और तब तो क्रिस्टफल सिंबल में एक इंडेक्स यहाँ भी चाहिए एक यहाँ भी चाहिए, तो कोई एक वैल्यू जो यहाँ लिखोगे वो यहाँ आ जाएगा और जो यहाँ लिखोगे वो इस पर आ जाएगा, ये आपका। अब इसी में जी और के में इंटरचेंज करोगे तो लास्ट टर्म आपका मिल जाएगा, तो यानी प्लस माइनस के साथ आएगा, माइनस जी ए बी और यह ए एच जे और यहाँ से बी आई के ऐसा आ गया। इस तरह से पूरे को हम लिख जाएंगे, और जब ये तरीका आपको मालूम नहीं रहेगा तब आप याद करते रह जाओगे, ये याद होने वाला नहीं है, इसलिए कि बहुत सारे इंडेक्स हैं। तो अब ऐसा हमने इसकी वैल्यू को लिख लिया, अब आप क्या कर लो कि इसी में आई और जे में इंटरचेंज करो, तो इंटरचेंज करके ही हमको रिजल्ट लाना है, तो इंटरचेंजिंग इंटरचेंजिंग आई एच एंड आई एच एंड आई बी है, तो हमको क्या मिला इसको लिखो, तो यहाँ से आर आई एच और जे के वही रह जाएगा, हाफ डेल टू जी और एच आई में इंटरचेंज कर रहा है तो जहाँ एच वहाँ आई, तो यह डेल टू एच की जगह आई के और अपान डेल एक्स आई आई की जगह एच और यह जे रहेगा, प्लस यह डेल टू जी आई की जगह एच जे अपान डेल एक्स एच की जगह आई और डेल एक्स के ऐसा है। अगले को देखो, माइनस डेल टू जी एच की जगह आई जे अपान डेल एक्स आई की जगह एच और यह डेल एक्स के, माइनस डेल टू जी आई की जगह एच के अपान डेल एक्स एच की जगह आई और डेल एक्स जे। आपने सिर्फ एक किया कि जो ये ब्रैकेट में था जहाँ h था वहाँ i लिखा
और जहाँ आई था वहाँ एच लिखा, यही वर्ग आगे भी, तो प्लस जी ए बी, तो यह आ गया ए एच की जगह आई के, और फिर दूसरा बी आई की जगह एच जे माइनस जी ए बी, यह ए एच की जगह आई जे, और लास्ट ए आई की जगह एच के। तो हमने इसको आई और एच इसमें इंटरचेंज कर लिया। अब यहाँ से दो वर्ग है, दोनों में जो भी आप यूज करना चाहो वो कर सकते हो। एक तो हमको ये दिखाना है कि इतना की वैल्यू माइनस यह, तो यदि दोनों को ऐड कर दें और जीरो को दिखा दें तब, यानी यह और प्लस यह जीरो, तो इसकी वैल्यू जब यह दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगी। तो दोनों को ऐड करके ये साइड दिखा दो जीरो, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि इसमें माइनस को कॉमन लो, और माइनस को कॉमन लेने के बाद तब जो वैल्यू आवे वो आपका इतना आ जाए तो भी आपका हो जाएगा। तो दोनों में कोई करोगे आ जाएगा आपका। तो अब आप देखिए कि क्या इसमें जो प्लस है इसमें वही चीज माइनस के साथ है क्या। तो देखो ये आई जे है प्लस में, आई इसमें आई जे माइनस में, तो जी एच के आई जे प्लस, जी एच के आई जे माइनस, फिर यहां से एच के प्लस में तो एच के माइनस में जी आई जे, ये सेम वैल्यू है माइनस। अब आप देखोगे ये माइनस तो आई के या आई के जी एच जे, ये वैल्यू आपका माइनस में, ये माइनस है तो ये प्लस आ गया। और फिर इसका देखो एच जे, तो यह एच जे जी आई के, ये माइनस में तो ये प्लस में, यानी हम ये देख रहे हैं कि जो इसमें प्लस है इसमें वो माइनस के साथ है, जो माइनस है तो वाइड करोगे तो कैंसिल हो जाए। फिर आगे का भी देखो, अब यह इसमें जो प्लस है उस माइनस को देखो, तो जी ए बी प्लस, तो जी ए बी माइनस। अब यह ए एच के ए प्लस है तो यहां से माइनस, तो जी ए बी, और आपका ए आई जे चाहिए, ए आई जे और बी एच के, तो ये डमी है, डमी है, जैसे आई और जे के साथ आपका बी है, तो अब आई और जे के साथ देखें हम बी लाने, तो लाने का क्या तरीका है, यह ए ए डमी है तो इसको आप डमी को जो चाहो कर सकते हो, तो इसको बी, और इसको आप ए ए आपका देखो, ए आपका यह ए है और यह बी है। अब आप देख रहे हो कि यहां से जो वैल्यू आया इसके प्लस को माइनस के बराबर, तो जी ए बी, जी ए बी, यह ए एच के है लेकिन यह बी एच के है, और यहां से बी आई जे है तो यह ए आई जे है। अब इसके ए और बी को इंटरचेंज करो, तो अभी ऐड करने से पहले पहले इक्वल कर लो तब ऐड करो। तो अब हम यहां क्या करेंगे, शेष वैल्यू को रखो, तो हाफ डेल टू जी आई के अपान डेल एक्स एच डेल एक्स जे और प्लस डेल टू जी एच जे और अपान डेल एक्स आई डेल एक्स के और माइनस डेल टू जी आई जे अपान डेल एक्स एच डेल एक्स के, ऐसा आया माइनस डेल टू जी एच के और अपान डेल एक्स आई डेल एक्स जे, ये आ गया प्लस। इसमें इंटरचेंज करना है, तो इंटरचेंज करने में देखो इसके प्लस को माइनस के साथ, तो एच के साथ ए है, यहाँ एच के साथ बी है, और यह आई जे के साथ बी है, ए आई जे, तो इसमें ए को बी और बी को ए, ऐसा लिखो। अब इसके माइनस को इसके प्लस के साथ, तो देखो एच जे के साथ ही है ए एच, यानी दोनों में आपको बी की जगह ए और ए की जगह बी, ऐसा लिखना है। तब आपको यहाँ से जी ए ए को इंटरचेंज करो बी में और बी को इंटरचेंज करो ए में, तो यह ए था।
तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि इससे जो प्लस में है उसको माइनस में, जो माइनस में है उसको प्लस में हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने में हम ये देख रहे हैं कि जहाँ इसमें ए है ये अगले वाले में वो बी है, और जहाँ बी है वहाँ ए है। तब ए और बी को जैसे आपका एच के है उसके साथ इसमें ए है, तो ये प्लस के साथ, तो माइनस वाले के साथ देखेंगे तो एच के में ये बी है। तो हम करेंगे यही कि जो डमी यहाँ है वही डमी यहाँ लाएंगे। तो उसके लिए जहाँ आपका ए है वहाँ बी करेंगे, यहाँ बी है वहाँ ए, तो यह जी ए ए की जगह बी, और जो बी है उसकी जगह ए, ऐसा वही वर्क अगले में भी। तो यह माइनस जी ए की जगह बी, बी की जगह ए, और तब यह बी हो गया आई जे, और यह ए हो गया एच के ए आ गया। अब जरा कंपेयर कीजिए प्लस वाले को माइनस के साथ, माइनस वाले को प्लस के साथ। तो जी ए बी एच के माइनस वाले में देखो, तो जी चूंकि आपका सिमेट्रिक होता है तो जी बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो उससे कोई फर्क नहीं, तो यह इक्वल हो गया। और तब आई जे के साथ बी, आई जे के साथ बी, और एच के साथ ए, यानी जो प्लस में है वो आपका माइनस में आ गया। अब यहाँ जो माइनस में है जी ए बी, तो यह सिमेट्रिक होता है तो जी ए बी चाहे बी जी बी ए फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद से ए एच जे ए के साथ और आई के साथ बी इक्वल आ गया। अब क्या कर लो, इसको तुम लिख लो वन और इसको लिख लो टू, एडिंग वन एंड टू, एडिंग वन एंड टू, एडिंग वन एंड टू, वी हैव यहाँ से आर एच आई जे के, आर एच आई जे के और प्लस आर आई एच जे के, यह आ गया। अब दूसरा साइड आपका जीरो आ जाएगा, जीरो आप देखो इसमें आई जे प्लस के साथ, आई जे माइनस के साथ, आई जे माइनस के साथ, एच के है एच के इससे कैंसिल, एच के आई जे माइनस के साथ, आई के माइनस के साथ, तो प्लस में आई के एच जे यहाँ है, एच जे यहाँ भी है, यह एच जे जी के साथ आई के, तो इसमें जो प्लस में अगले में वही माइनस के साथ, और माइनस जो है प्लस के साथ, तो ऐड करोगे तो प्लस माइनस से कैंसिल। आई इस वर्क को अभी इक्वल बनाया ही गया है, आप देखेंगे तो यह जी ए बी और जी बी ए ये इक्वल होता है, लेकिन प्लस वाले को माइनस के साथ। तो यह वैल्यू बी के साथ आई जे, बी के साथ आई जे, और एच के साथ ए, एच के साथ ए, प्लस में माइनस में कैंसिल, ये माइनस है तो प्लस वाले के साथ, जी ए बी इज इक्वल टू जी बी, एच जे के साथ ए, एच जे के साथ ए, आई के साथ बी, ये हमारा माइनस में है प्लस में है कैंसिल हो गया। तो ऐड किया तब हमको ये वैल्यू जीरो मिल गया। तो अब इसको दूसरे साइड में ले जाएंगे तो दिस इंप्लाई आर एच आई जे के इज इक्वल टू माइनस आर आई एच जे के, यानी यही हमको दिखाना था कि जो फर्स्ट इंडेक्स टू जो इसमें है उसमें ये इसकी सिमेट्री होगा। तो फाइनली हमने क्या देखा कि ये जो कर्वेचर टेंसर, जो को वेरिएंट कर्वेचर टेंसर है, वो अभी दो कंडीशन को हमने दिखाया। पहला कंडीशन ये दिखाया कि जे और के जो लास्ट के दो इंडिसेस हैं उसमें भी ये सिमेट्रिक होता है, इसकी सिमेट्रिक होता है, और जो फर्स्ट के दो हैं उसमें भी वो इसकी सिमेट्री होता है। अब हम यदि इसके फर्स्ट टू और लास्ट टू इसमें इंटरचेंज करते हैं तो एक और रिजल्ट आता है, लेकिन उस रिजल्ट को प्रूव करने से पहले हमको बियांकी आइडेंटिटी जानना पड़ेगा। तो अब बियांकी आइडेंटिटी दो होती है, बियांकी आइडेंटिटी ऑफ फर्स्ट काइंड और बियांकी आइडेंटिटी ऑफ सेकेंड काइंड। ये आपको वाइवा वगैरह में भी क्या है बियांकी आइडेंटिटी वो, या आपको एग्जामिनेशन में उसका प्रूफ, तो इस वर्क को हम लोग आगे इसके बाद का जो वर्क है उसमें हम कर रहे हैं। बियांकी फर्स्ट आइडेंटिटी हमारा यह है, इसका यूज भी करते हैं। तो देखो इसको याद कैसे रखेंगे, इसकी वैल्यू जहां भी आएगा वो जीरो हो जाएगा, तो ध्यान में रखना पड़ेगा।
सबसे पहले देखो कि ए कंट्रा वेरिएंट में सब में है, तीनों में उसमें कोई परिवर्तन नहीं। पहला है आई जे के, तो इसमें साइक्लिक इंटरचेंज करते जाओ तो दो टर्म और मिल जाएगा। जैसे आई आपका आई है, जे है, के है, तो आई को जे कर दो, जे को के कर दो, के को आई कर दो। अगला आ गया फिर इसको एक बार और, जे को के को आई, आई को जे। अब जब अगला करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, के आगे आई, आई के आगे जे, जे के आगे के, तो फिर वही। तो यानी हमको एक लिखो और उसी को साइक्लिक इंटरचेंज करोगे तो दो और मिल जाएगा। तो इसका सम जो होता है वो आपका जीरो होता है। इसको प्रूफ बहुत आसान, लेकिन क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसकी वैल्यू आपको पता है, उसको लिखो। तो वी नो दैट आर ए आई जे के, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आपको बताया गया कि यह जे के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, और जो बच गया जे के ए आई के, ए आई के, इसी में जे और के में इंटरचेंज कर, तो माइनस डेल बाई डेल एक्स की, और यह ए आई जे, ये पहला गया। और इसके आगे दो पृष्ठफल सिंबल का प्रोडक्ट, दो पृष्ठफल सिंबल का, तो यह पहला ए जे एक साथ, और आई के पहले वाले में जे, इसी में लिख सकते हैं ए जे, और इसमें आई के, ये है। अब आपका एक बचा हुआ, तो उसको जो लिखना चाहो लिख लो। तो यदि यह एच लिख ले तो यहाँ भी एच, आईसी में अगला जे और के में इंटरचेंज करके लिख लो, तो यह ए के एच, और यह एच आई जे, ये हमारा आर ए आई जे के, इसकी वैल्यू हो गया। अब आप देखो इसके बाद तुम इसको भी लिखो, ऐड कर दो, एक तो ये तरीका है, या दूसरा यह आई जे के में इंटरचेंज कर दो तो अगला मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी आई जे के में इंटरचेंज कर दो तो दो और इक्वेशन मिल गया, इसको हमने वन कह दिया, ये वन इंटरचेंजिंग साइक्लिक इन आई जे के वी गेट, और इसको इंटरचेंज करो तब यह आपका आया आर ए, आई को जे, जे को के को आई, तो जो इधर इंटरचेंज किया गया वह इंटरचेंज यहाँ, तब यह डेल बाई डेल एक्स जे था तो वह के, और यह ए आई को जे, के को आई, यह आ गया, और माइनस डेल बाई डेल एक्स के है तो आई, और यह ए आई के बाद जे, ये हमने के बाद आई, आई के बाद जे, और जे के बाद के, यह है, और प्लस ए जे, जे के बाद के, और एच डमी को रहने देंगे, और फिर एच आई के बाद जे, जे के बाद आई के बाद जे, और के बाद आई, और माइनस ए के आगे आई एच, और एच आई को जे, जे को के, केवल आई जे के को इंटरचेंज करना है, शेष जैसे है रहने देना। इसको आप टू लिखो, एक बार और जब साइक्लिक इंटरचेंज कर दोगे तो लास्ट आ जाएगा, तो फिर यहाँ से एंड आर ए जे को के को आई,
आई को जे, और देखो ये वैल्यू आपका यहाँ मिल गया, तो यहाँ से डेल बाई डेल एक्स के आगे आई, और यह ए जे का के आई का जे, और माइनस डेल बाई डेल एक्स जे ए के आई, और प्लस ए के का आई एच एच जे का के आई का जे, माइनस ए आई का जे, और एच फिर यह एच जे को के को आई, ये हमारा थर्ड हो गया। तीन है, एक की वैल्यू को लिखा और इसमें आई जे के में साइक्लिक इंटरचेंज करने पर ही आया, तो इसकी भी वैल्यू में आई जे के में साइक्लिक इंटरचेंज कर दो, इसमें साइक्लिक इंटरचेंज करो तो ये आएगा, तो इसकी जो वैल्यू आया उसमें साइक्लिक इंटरचेंज कर दो। अब इन तीनों का सम करके हमको जीरो दिखाना है, तो एडिंग वन टू थ्री, एडिंग वन टू एंड थ्री, तो ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपका यही मिल गया, आर ए आई जे के प्लस आर ए जे के आई प्लस आर ए के आई जे, ये लेफ्ट हैंड साइड तो मिल गया, लेकिन दूसरा साइड आपको जीरो दिखाना है। तब जीरो दिखाने के लिए आप क्या करोगे कि जो प्लस में है उसको माइनस वाला देखो कहाँ वो टर्म है, तो आपका पहला डेल बाई डेल एक्स जे प्लस में, और पार्शियल आपका ये दो ही है, ये सब क्रिस्टफल में है, तो पार्शियल को पार्शियल से कंपेयर करो और क्रिस्टफल को क्रिस्टफल से, तब यह डेल एक्स जे ये पहला आया। अब देखो डेल एक्स जे यहाँ आया है ये, तो ये आपका प्लस में डेल बाई डेल एक्स जे इक्वल हो गया। अब यहाँ से ए आई के और यह ए के आई, तो चूंकि क्रिस्टफल सिंबल लोअर इंडेक्स में सिमेट्रिक होता है, तो इसलिए जो आपका यह वैल्यू है इससे ए कैंसिल हो गया। अब इसका देखो डेल बाई डेल एक्स के माइनस में, तो जो माइनस होगा उसका केवल प्लस में देखो, अब माइनस में ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो ये तो एक बीत ही गया। अब देखो ये डेल बाई डेल एक्स के, तो यह ए जे आई और यह ए आई जे, तो चूंकि आई और जे में सिमेट्रिक होता है इसलिए ये जो सेकंड है वो इस सेकंड से कैंसिल हो जाएगा। अब थर्ड में देखिए डेल बाई डेल एक्स आई माइनस के साथ, डेल बाई डेल एक्स आई प्लस के साथ, यह ए जे के और यह ए के जे, तो यानी जो ये आपका ये थर्ड है वो इस थर्ड के साथ ये कैंसिल हो गया, तो ये तो पार्शियल वाला समाप्त हो गया। अब हम जरा देखें इसमें जो केवल क्रिस्टफल सिंबल है पार्शियल के साथ नहीं है, तो अब इसको कैसे देखोगे, तो देखो जो फ्री इंडेक्स है केवल उसी को इक्वल देखो, तो प्लस है तो प्लस वाले माइनस वाले से कैंसिल होगा, तो देखो इसमें यह चुडमी आ गया है, इस पर पहले मत केयर करो, आई के देखो कहाँ है, आई के माइनस वाले में आई के आई हो चाहे आई के हो, तो इसके साथ एच है आपका, और तब यहाँ देखो जे एच, तो यह जे एच ए, यानी ये इसका वन इसके वन के इक्वल हो गया। अब इसका टू देखो, तो अब इसका प्लस, तो जे आई देखो माइनस में कहाँ है, जे आई ये है, तो इसका ये सेकेंड, इसमें सेकेंड, अब से सबको और मिलाओ, तो यह जे आई चाहे आई जे सिमेट्रिक होता है, तो ये इक्वल हो गया एच है, यह के एच है, ये भी आपका के एच एक के साथ कैंसिल हो गया प्लस में माइनस में। अब जो बच गया उसको देख लो, तो यह ए आई एच, ए आई एच, एच जे के एच के जे, तो यानी इसका थर्ड इसके थर्ड से कैंसिल हो गया, यानी पार्शियल को फर्स्ट से सेकंड को सेकंड से थर्ड को थर्ड से, और जो विदाउट पार्शियल है उसको फर्स्ट सेकंड से सेकंड थर्ड से थर्ड, ये हमारा सब कैंसिल हो गया, तो ये आपका जीरो आ गया।
और यही रिजल्ट हमको दिखाना है। तो वर्क बहुत आसान, RAIJK की वैल्यू को आप लिख जाओ, साइक्लिक इंटरचेंज करोगे तो दो और मिल जाएगा, ऐड कर दोगे जीरो आ जाएगा। अब आपको एक चीज का जब प्रयोग करना होगा प्रॉब्लम में कि हमारा और कोई भी यहाँ इंडेक्स रहे IJK ही नहीं, यहाँ और तीन कर्वेचर टेंसर तो यहाँ वन और ये थर्ड आएगा। अब इसी में ये इंटरचेंज करते जाओगे तो ये आई की जगह जे, जे की जगह के, ऐसे यदि दूसरा है जैसे मान लो अल्फा बीटा गामा है, तब हम अल्फा के बाद बीटा, फिर बीटा को गामा, गामा को फिर अल्फा, तो जो तीन रहेगा इंटरचेंज करोगे तो दो आएगा, उसकी वैल्यू जीरो, ये हमारा रूल हुआ। तो इस तरह से बियांकी फर्स्ट आइडेंटिटी, और बियांकी सेकेंड आइडेंटिटी और कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। दो दिन में टेंसर प्रयास किया जाएगा कि आपका समाप्त हो जाए, फिर उसके बाद जो हम लोग शुरू करना चाहेंगे किया जाएगा, लेकिन इतने को आप देख रहे हैं।